मद्रास में जो आज ये ऑडिशन हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और थोड़ा सा अपने विषय में बताइए, ऑडिशन किस लिए किया जा रहा है? तो मेरा नाम उमेश भाटिया है और रेडियो फिल्म और थिएटर मेरा फील्ड है, और अभी मेरी एक बॉलीवुड की फिल्म आ रही है सेटर्स, 3 मई को रिलीज़ होगी। इसके अलावा मैंने एक फिल्म की है अनमूविंग थ्रेड्स ऑफ काशी, वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जा रही है इस साल। बहुत ही अच्छी फिल्म है, 8 फिल्म है, उसमें मैंने डोम का कैरेक्टर किया है जो कि लीड कैरेक्टर है फिल्म का। और मैं पर्ल फिल्म प्रोडक्शन का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और चीफ गेस्ट बनने का मौका दिया, और इतने सारे प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, उनको हम जज करेंगे और उम्मीद है कि हमें अच्छे टैलेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एंड क्या उद्देश्य हैं आपके, क्या बनना चाहते हैं, इसमें से नाम मुझे बताइए। एक्चुअली माई सेल्फ मोनिका पाठक, आई एम मैरिड एंड मैं चाहती हूँ कि मुझसे लोग मोटिवेट हों कि जो लोग 40 ईयर्स में कुछ कर नहीं सकते हैं, और मैंने अपने मेरी फैमिली में कोई सपोर्टर नहीं है और कभी ना रहा नहीं है, और मुझे 20 साल मैंने स्ट्रगल किया है, या ये समझ लीजिए कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं मॉडलिंग करूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो पाई नहीं कि मैं इस जगह पे पहुँच पाऊँ। मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शुरुआत एटलीस्ट यहाँ से हो, और बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी, मैं क्या करूँगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ कि स्टार्ट यहाँ से हो, और कुछ ना कुछ उसके आगे फिर क्या करना है वो मैं बाद में सोचूंगी। इस ऑडिशन के विषय में किस तरह मालूम पड़ी आपको? ऑडिशन पे जो रेणु मैडम है उनके ज़रिए मालूम हुआ, रेणु भारती मैडम के ज़रिए, कि आप मिसेज यूपी के मैंने बैनर्स वगैरह देखे, तो उन्होंने मेरे को प्रपोज़ किया कि नहीं आप कर सकते हो, हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी, और क्योंकि घर पे भी इतना सपोर्ट नहीं था कि मैं करूँगी या कर पाऊँगी, तो मुझे उनको प्रूव किया था एक्चुअली कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, और मेरा बेटा भी है तो उसने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया है कि नहीं मम्मा आप कर सकते हो, बस इस वजह से मैं, मेरा जो एक सपोर्टर है तो वो बस मेरा बेटा है, वो मेरे को बोलता है मम्मा कुछ भी करो मैं आपके साथ हूँ, मतलब आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए बेटा सपोर्ट करता है। हाँ जी, मेरा बेटा क्या पढ़ता है, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है? उसने इंटर पास आउट किया है, CPTU का एग्ज़ाम दे रहा है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उसमें आपके हस्बैंड की क्या भूमिका है, वो क्या? हस्बैंड की भूमिका कुछ खास नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, बट वो घर को कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन बस मैंने खुद से फैसला लिया है कि नहीं मुझे कुछ करना है। मैं 20 साल तक कुछ नहीं कर पाई तो मुझे लगा कि मैं शायद मैडम अपने विषय में थोड़ा सा डिटेल्स बताइए हमारे दर्शकों को। अभी मैक्सिमम 25 ऑडिशन आप हाँ ऑडिशन फील हो गया 35 लोगों का, लेकिन लोग आते जा रहे देते जा रहे। और मैं मिसेज यूपी रेणु भारती और पल प्रोडक्शन हाउस की पूरी ओनर इसमें मैं एक वर्क कर रही हूँ, मिस्टर मिस मिसेस इंडिया, और अब मैं वाराणसी सिटी में अपना पहला ऑडिशन ले रही हूँ, और इस तरह के ऑडिशन मेरे हर सिटी में होने हैं, और आई होप कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, हम स्पेशली महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैरिड होने के बाद उनको लगता है मेरी लाइफ खत्म हो गई, लेकिन हम उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो घर से बाहर निकले, इस प्लेटफॉर्म को चुने, और उनको पता होना चाहिए कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं शादी के बाद, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडियन भारतीय महिला ये सोचती हैं कि शादी के बाद हमारी लाइफ खत्म, लेकिन हमें लगता है सही जर्नी उनकी शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। इससे पहले जसवाल जी आपने इससे पहले भी कहीं किया है, थोड़ा सा बताएंगे, या फर्स्ट टाइम फिल्म आया या पहले भी कहीं किया? फर्स्ट टाइम इसमें भी हमने ऑडिशन दिया फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप में? कुछ अलग सा।